तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है विकास व्यूज़। तो सुबह के बज रहे हैं 6 दोस्तों, और आज सुबह से ही यहाँ पे बारिश बहुत चालू है। अलर्ट तो कल का दिया था, बट आज मुझे लग रहा है कि शायद ज़्यादा हैवी बारिश होने की संभावना है। अभी भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, बट सुबह से बहुत तगड़ी बारिश हुई थी दोस्तों। और यहाँ का दोस्तों यहाँ का वेदर ऐसा इतना प्यारा वेदर है ना, मज़ा आ जा रहा है एकदम। जो चिड़िया वगैरह की आवाज़ से सुबह 6 बजे आँख खुल गई यहाँ पे। वैसे भी जल्दी उठना अच्छा होता है, और यहाँ के गांव के लोग तो आपको पता ही है दोस्तों, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। और मुझे तो लगता है शहरों की जो लाइफ है जहाँ पे 8 या 9 बजे तक लोग उठते हैं, तब तक तो यहाँ आधे से ज़्यादा काम हो जाता है इन लोगों का दोस्तों, मज़ा आ जाती है। मेरे पीछे का व्यू देखो दोस्तों। और हाँ, अभी आप ये बोलेंगे वो हमारा पुराना वाला ओल्ड मेमोरीज वाला घर कहाँ है। एक्चुअली मैं अभी ताऊ जी के घर हूँ। एक्चुअली मेरे दादाजी के 4 भाई थे, बेटे थे उनके, मेरे पापा के 4 भाई हुए, तो ये दूसरा वाला घर है। एक्चुअली परिवार ज़्यादा बढ़ गया था, तो इसलिए फिर ये नया एकदम बनाया यहाँ पे। और ये आपको इसका भी मैं व्यू दिखाऊंगा थोड़ा, आप पहले नज़ारा वेदर का नज़ारा लीजिए और यहाँ का व्यू लीजिए सुबह सुबह का। ये देखिए दोस्तों आज का व्यू, पूरे काले काले बादल है। ये गांव की असली लाइफ है। और ये केले लग रहे हैं यहाँ पे, ये देखो लगे तो बहुत सारे थे, लंगूरों ने खा दिए सारे। यहाँ पे आतंक क्या लंगूरों का, कल भी यहाँ पर बहुत आतंक मचा रखा है उन लोगों ने। अभी सिर्फ एक इतने से ही बचे हैं, ये भी शायद मुझे लगता नहीं है कि पकने देंगे, पहले ही खा जाएंगे। ये वाला देख आपको दिख रहा होगा यहाँ पे केले। और ये है देखो घर की ऑर्गेनिक सब्जियां लगा रखी हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ लगता रहता है। ये देखो मूली उली सब लगी हुई थी यहाँ पे, अब खा दिए, बर्बाद कर दिए लंगूरों ने। वो देखो दोस्तों ये जो पहाड़ों के बीच में बादल जमा हो जाते हैं ना, आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ अगर दिखता है तो। इतना ही, वो देखो पहाड़ों के बीच में बादल, वहाँ पे एक लाइन सी बनी हुई है, इसका एक अलग ही नज़ारा है दोस्तों, मज़ा ही अलग है कुछ। ये देखो कितना ग्रीनरी ग्रीनरी है एक बारिश से। मज़ा ही है दोस्तों यहाँ का। और ये है हमारा घर, इसके नीचे एक कमरा है और गाय का गोट है, और ऊपर 2 कमरे हैं और एक अलग से किचन है सेपरेट, और वहाँ पे है ये वॉशरूम हमारा जो टॉयलेट बाथरूम। और जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों, गांव में जो है जो थोड़ा दूर रखते हैं वॉशरूम वगैरह के लिए, बिकॉज़ हम लोग पंडित लोग हैं, और आपने वो मूवी में भी देखा होगा टॉयलेट एक प्रेम का था, तो घर के वहाँ पास में नहीं रखते ब्राह्मण लोग, थोड़ा घर से दूर रहते हैं, और अच्छा भी रहता है थोड़ा अलग से सेपरेट। बस रात को दिक्कत होती है जब भाग भाग का डर रहता है, तो वहाँ से यहाँ आना है आपको। अगर उस बीच यहाँ से भाग आया तो फिर हो गया काम ख़त्म। यहाँ पर ये है हमारा गायों का एरिया, जहाँ पे गाय वगैरह बांधती है ताई जी हमारी। अभी तो बारिश है, आज तो नहीं बांधेंगी शायद बाहर। और ये दोस्तों ये है, चलो आपको मैं मिलवाता हूँ अपने दोस्त से। ये है, इसका नाम है दोस्तों चिरकुट। ये चिरकुट बहुत हाइपर एक्टिव डॉग है, मज़ा आती है इसके साथ भी। चिरकुट यू आर नाउ, और चिरकुट कैसे हो? देखो दोस्तों, अरे मज़ा आती है, ये हमेशा खेलता रहता है, हाइपर एक्टिव डॉग है बहुत ही ज़्यादा। चिरकुट, जो मुंबई वाले लोग हैं उनको नाम समझ आया होगा इसका चिरकुट क्यों है। बहुत प्यारा डॉग है ये, मज़ा आती है। और वो है हमारी गाय, ये थोड़ा इसको दोस्तों इस जगह को बोलते हैं गाय का गोट, जहाँ पे घास वगैरह स्टॉक करके रखते हैं, ताकि बर्फ़ वर्फ पड़ती है तो हरी घास थोड़ा पॉसिबल नहीं होती है। अभी तो बारिश है, हरी घास है यहाँ पे, और वो सूखी घास भी रखी हुई है। ये गाय है, ये उसका बेबी है, जब बाहर आएगा तो अच्छे से व्यू दिखाऊंगा इनकी। अभी थोड़ा अंधेरा है, गोट में यहाँ पे नहीं दिखेगा आप, तब तक चिरकुट को देखो। चिरकुट ये भी बहुत प्यारा डॉग है। और यहाँ पे दोस्तों डॉग्स वगैरह मतलब रखना ही पड़ता है,
मतलब इसके ड्रॉबैक्स भी है और अच्छा फ़ायदा भी होता है। ड्रॉबैक्स ये है दोस्तों कि जो तो ड्रॉबैक्स ये है दोस्तों जो डॉग्स वगैरह रखते हैं हम लोग, तो गांव में जैसे लंगूर वंगूर का आतंक रहता है, सब्जी वब्जी सारी नुकसान कर देते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होगे ये सारी सब्जियां बो रखी है, ऑर्गेनिक रहती है, यहाँ पे बीन्स होगी, बैंगन होगी, शिमला मिर्च होगी, सब यहाँ पे घर में ही बो देते हैं। लेकिन लंगूरों का आतंक इतना रहता है, या बंदर आ जाते हैं, कभी लंगूर आ जाते हैं, वो पूरा सब उजाड़ देते हैं, तो आधे से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है दोस्तों। और इसमें मेन क्या है कि हम मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से लगाते हैं और फिर बाद में नुकसान हो जाता है तो बुरा लगता है, तो इसलिए डॉग्स को पालना यहाँ पे बहुत ज़रूरी भी है। बट इसका ड्रॉबैक ये होता है कि जैसे यहाँ पे बहुत बोलते हैं बाघ वगैरह का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो वो अट्रैक्ट होते हैं बाघ जो है ये डॉग्स वगैरह को खा जाते हैं। कितने सारे बचपन में हम लोग आते थे दोस्तों, बहुत मेरे भैया थे, मतलब है अभी शेखर भैया है मेरे, वो हमेशा डॉग्स लाद के ही रखते थे। दो तीन डॉग्स थे हमारे, बाघ लेके गया उनको, कितने बार ऐसा हुआ, मतलब हमने तो नहीं देखा बट ताई जी भैया लोग जो यहाँ रहते वो लोग बताते थे कि बाघ लेके गया। तो बहुत सारे वो यही एक ड्रॉबैक है कि बाघ वगैरह जो है वो अट्रैक्ट होते हैं बकरी और ये डॉग्स को लेने के लिए आते हैं, कभी कभी तो गाय भी ले जाते बड़ी बड़ी सी। बहुत रिस्की लाइफ है यहाँ पे, बट क्या करें, नेचर है वो भी, मतलब प्राणी वैसे ये जो एनिमल्स हैं उनका ये चलती रहती है लाइफ साइकिल, ऐसा ऐसा तभी तो वो भी सर्वाइव करेंगे और उनको भी अभी रहना, वैसे तो बहुत शॉर्टेज है इंडिया में, इसलिए सेव द टाइगर, एक था टाइगर हो जाएगा कभी तो। चलो दोस्तों आगे की अपडेट मैं आपको आगे चल के देते रहूँगा, अभी थोड़ा नहा धो लेते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर मैं आपको आगे की अपडेट देता हूँ। छोटा सा टूर भी कराऊँगा गाँव का अगर हो सकेगा तो, बारिश रुकेगी तो। तो दोस्तों सोचा नहाने से पहले थोड़ा चिरकुट को घुमा लिया जाए, थोड़ी सी बारिश अभी कम हुई है तो ये भी घूम लेगा। और इसको दोस्तों गोट में इसलिए बांधा था क्योंकि बारिश थी ना बहुत ज़्यादा, तो ये बाहर नहीं रख सकते। चिरकुट नो उधर नहीं, ये बहुत हाइपर एक्टिव है दोस्तों, बहुत मज़े करता है ये, अभी बेचारा खुश है, सुबह से बंधा हुआ था। इसको खुला घूमना पसंद है बट ये क्या है बंदरों के पीछे लंगूरों के पीछे ना बहुत दूर दूर चल जाता है और फिर डर भी लगता है, भगा तो देता है लंगूरों को लेकिन खुद भी बहुत दूर पहुंच जाता है, तो इसलिए अभी बारिश का भी मौसम है फिर लाना मुश्किल हो जाएगा और जोंक वोंक लग जाएंगे, तो इसलिए इसको सोचा यहीं घुमा दें आंगन में थोड़ा सा। चलो चिरकुट कम कम यार कम आ जा, बहुत बहुत फ्रेंडली डॉग है दोस्तों, बहुत मानता है। देखो दोस्तों ये देखो व्यू, अभी अभी खेती वगैरह सब यहाँ पर हुई है, नज़ारा। गांव में थोड़ा पानी का प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्लम्बर वगैरह कोई मिलता नहीं है तो यहाँ सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, तो मेरे भैया आए हुए हैं यहाँ पे नल का वो ढूंढने के लिए, यूनियन है यहाँ पर, खोल के इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों अभी यहाँ इतना दूर आने के बाद कहीं पे भी अपने को कनेक्शन का वो नहीं मिला, यूनियन सारे चेक कर लिए खेतों में जितने भी थे, वो क्या होता है बारिश की वजह से यहाँ पे पानी और वो रेती जमा हो जाती है जिसकी वजह से पानी रुक जाता है। तो अभी हम एंड पॉइंट में पहुँचे जहाँ से पानी का स्रोत है जो नलों में जाता है कनेक्शन पानी का, वहाँ पर अभी चेक कर रहे हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखो दोस्तों अब ये पानी कहाँ से आता है पता नहीं, बड़े प्योर नेचुरल ड्रिंकिंग वाटर है, आप इससे पी भी सकते हो, नहा भी सकते हो, और यही पानी आपको सीसीडी में 50 से 60 रुपए का मिलता है आधा लीटर, और ये नेचुरल वाटर है। ये देखो तो नीचे नीचे जाता है और ये डायरेक्ट पानी जो है डायरेक्ट नदी में मिलता है जाके, जो सरयू नदी बागेश्वर में है। और ये मेरे भैया यहाँ पर ढूंढते हुए, कहाँ दिक्कत है, यहाँ पे भी कनेक्शन है क्या? हाँ बट नल है यहाँ पे, अभी वो ढूंढना पड़ेगा। हाँ वो रेती के वजह से ढक गया ना पूरा। चलो दोस्तों इसी तरह जुड़े रहिए आगे की अपडेट के लिए, हम ढूंढते हैं तब तक नल। तो दोस्तों काफ़ी मशक्कत करने के बाद हमें आखिरकार नल मिल गया,
ये बबल से सिग्नल है कि नल यहीं पर ही है। पानी इतना ठंडा हो रहा है, हाँ बारिश के वजह से भी हो सकता है ना। ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ नल है, ये पूरा जाम हो गया लगता है। हाँ यहाँ पे है नल, ये जाली डगने के लिए है क्या इसको? आगे जाने तो पत्थर हो जाएंगे। हाँ पत्थर रेता जाने वाला लाइन चल गई। हाँ अच्छा ये वाला है ना। हाँ अब चल गया। अच्छा ये मेन यहाँ से पानी पास होता है। अच्छा ये फिल्टर का भी काम करता है ना, फिल्ट्रेशन का? पत्थर और मैन मेड ही है, हैंडमेड। तो फाइनली पानी की समस्या दूर होते हुए हमें मिल गया है। चलो दोस्तों अब आगे देखते हैं, नीचे जाके देखेंगे पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। बट अब तो पहुंच ही जाना चाहिए क्योंकि सारे यूनियन भी खोल के चेक कर लिए और यहाँ पे भी मिल ही गया हमको फाइनली। और पानी तो भरपूर है, अभी बारिश में तो यहाँ जगह जगह ऐसी स्रोतें मिलेंगे आपको। तो अब मोस्टली गाँव में पानी की समस्या हल हो ही गई है, अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट बारिश के वजह से क्या है, आगे आने वाले समय में भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो इसको चेक करते रहना पड़ेगा। हाँ अच्छा, हाँ अरे हाथ पूरा अभी एकदम फोर्स में जा रहा है पानी। चलो दोस्तों आगे अपडेट। ये देखो दोस्तों जोंक इसे बोलते हैं, यही है खतरा यहाँ का। ये खून चूस लेता है नीचे, निकाल दो इसको, खतरनाक, यही खतरा है। हाथ में चिपक जाता है, पैर से निकाल, मेरे तो नहीं लग गए ना? ना मेरा नहीं है, इसका पता भी नहीं चलता है क्या। देखो ये यहाँ पर यही समस्या है, जितना ज़्यादा देखोगे उतने मिलते रहते हैं। बारी है हमारी बिजली के नहाने की, अब बिजली नहाएगी। रानी परी तो बेचारी परेशान हो गई नहाना के, और बिजली हमारी अच्छे से नहा रही है। मुझे लगता है बिजली को पसंद है नहाना। ओह और यहाँ इस रानी परी को देखो परेशान घूम रही है, नहाना नहीं पसंद है इसको। बिजली हमारी सही से नहाती है प्यार से, इसको आनंद आ रहा है बिजली को नहाने में। बिजली हेलो। तो हेलो दोस्तों, अभी शाम के बज रहे हैं 6 और ये अभी मेरे वीडियो का एंड होगा क्योंकि थोड़ा काम था दिन भर में, बिजी रह गए। और अभी मैं आपको उससे पहले एंड करने से पहले एक छोटा सा मंदिर दिखाऊंगा जो हमारे गांव में है, उसको दिखाऊंगा। आप भी थोड़ा डिजिटली दर्शन कर लीजिए उस मंदिर का। फिर मैं अभी थोड़ा रास्ते यहाँ के ऐसे हैं ना, और बारिश भी हुई है अभी, मतलब दिन में तो नहीं हुई थी, बंद है अभी दिन भर से, तो थोड़ा संभल कर चलना पड़ता है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ हमने हमारे गाँव का मंदिर। ये है दोस्तों रास्ता मंदिर जाने का, और ये आगे चल रही है दिव्या और उसके साथ है उसका बॉडीगार्ड शेरू, उसको भी वॉकिंग हो जाएगी। सिरकुट दूसरा है और ये शेरू दूसरा है, और ये है रास्ता यहाँ का देखो दोस्तों। और ये छोटा सा यहाँ पे ना ऐसे नहर वगैरह हर जगह ही है, और ये पानी कहाँ से आता है स्रोत पता नहीं। ये देखो और ये है रास्ता दोस्तों, और ये हमारे आगे नैतिक पंथ। चोट लगने के बाद, दर्द सहने के बाद फिर से एक बार बैक टू नॉर्मल लाइफ ब्रो। ये है हमारे हीरो यहाँ आज के, नैतिक। दर्द हो रहा है आपको? दर्द हो रहा ना अब हो? नहीं होता नहीं। ये है भव्य ये है हमारा प्राचीन भव्य मंदिर।
तो दोस्तों वीडियो को आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल में इसी तरह, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह डिजिटली जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं आपको इसी तरीके के सुंदर सुंदर नज़ारे और मंदिरों के दर्शन भव ऐसे ही करवाते रहूँगा दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना।